Welcome dear learners, I Dr. Anjali Saxena welcome you all. Dear learners, in water treatment topic, this is our second video. In today's session, we will discuss degree of hardness and various units of hardness and some boiler troubles. So let's start our video. Before starting our multiple choice question, we have to understand what is degree of hardness, what are the units of hardness and what are different boiler troubles. So dear learners, if we are talking about degree of hardness, then when we calculate the hardness in calcium carbonate equivalent, or to calculate the hardness in calcium carbonate equivalent, is known as degree of hardness. Why calcium carbonate is chosen for this purpose? Because calcium carbonate forms most insoluble precipitate, number one, and number two, it has its mass exactly 100, which makes calculation easy. That's why CaCO3 is chosen for degree of hardness. So when we are calculating the hardness of each salt which contribute to hardness, we have to calculate it in calcium carbonate equivalent. To convert a salt into calcium carbonate equivalent, the formula is there, which is shown in the screen. That is, we have to multiply amount of hardness producing salt into calcium carbonate equivalent. कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई करना होगा एंड द वेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज 100 अपॉन 2. तो इसका मास 100 होता है, कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, तो इक्विवेलेंट वेट निकल कर आएगा 100. हाउ वी हैव टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट, हाउ कैन वी कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट, इसके लिए पूरा एक लेक्चर मैंने बनाया हुआ है जिसको कि आप प्लेलिस्ट के थ्रू देख सकते हैं. देन इन फॉर्मूला वी हैव टू डिवाइड दिस वैल्यू विद द इक्विवेलेंट वेट ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट. तो पहले तो हमें को सॉल्ट कितने अमाउंट में दिया है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट वेट से और डिवाइड कर देंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट. सो डियर लर्नर, इफ वी नो हाउ टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट, देन इट इज वेरी इजी. सो हाउ वी कैन कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट, इसके लिए एक स्पेशली वीडियो बनाई हुई है जिसे आप प्लेलिस्ट के थ्रू जाकर देख सकते हैं. स्पेशली कुछ पॉइंट्स आपको बता देती हूँ, जितने भी कैल्शियम के सॉल्ट होंगे उनका इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए उनके मॉलिकुलर मास में 2 से डिवाइड कर दिया जाएगा, या मैग्नीशियम के सॉल्ट होंगे तो उनके मॉलिकुलर मास में 2 से डिवाइड करने पर इक्विवेलेंट वेट मिल जाएगा उन सॉल्ट्स का. तो ये है डिग्री ऑफ हार्डनेस. नाउ व्हाट इज द यूनिट्स ऑफ हार्डनेस. सो हार्डनेस की 4 यूनिट्स होती हैं, पार्ट्स पर मिलियन, मिलीग्राम पर लीटर, डिग्री फ्रेंच, डिग्री क्लार्क, एंड दे हैव द रिलेशन विद दिस. हम पार्ट्स पर मिलियन से सबका रिलेशन देख रहे हैं. 1 ppm इज इक्वल्स टू 1 mg पर लीटर, 1 ppm इज इक्वल्स टू 0.1 डिग्री फ्रेंच, 1 ppm इज इक्वल्स टू 0.07 डिग्री क्लार्क. तो अगर हमें 1 ppm जो होता है 0.1 डिग्री फ्रेंच के बराबर होता है, तो अब हम 10 डिग्री फ्रेंच ही बता सकते हैं कि कितने ppm के बराबर होगा. अपनी फर्स्ट वीडियो में और सेकंड वीडियो में हमने समझा व्हाट इज हार्डनेस, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हार्डनेस, व्हाट इज टेम्पररी हार्डनेस, व्हाट इज परमानेंट हार्डनेस, हाउ कैन वी रिमूव टेम्पररी हार्डनेस, एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिग्री ऑफ हार्डनेस, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ हार्डनेस, विच सॉल्ट्स विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर टेम्पररी हार्डनेस, विच सॉल्ट विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर परमानेंट हार्डनेस, बट व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ हार्डनेस, व्हाई वी हैव टू रिमूव द हार्डनेस. सो पॉइंट इज दैट कि दे आर प्रोड्यूसिंग मेनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स. द वन ऑफ दीज प्रॉब्लम इज बॉयलर ट्रबल्स. इफ वी बॉइल हार्ड वाटर इन बॉयलर, और वी कैन से इन जनरल टर्म्स भी हैं कि जनरल कुछ प्रॉब्लम्स ही हैं बॉयलर की, तो वो दोनों इंक्लूड कर दी गई हैं. तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बॉयलर ट्रबल्स. फर्स्ट वन इज स्लज एंड स्केल फॉर्मेशन. सो अगर हम हार्ड वाटर को बॉयलर में कंटिन्यूसली बॉयल करते हैं तो एक लूज मडी सा प्रेसिपिटेट बनता है जिसको हम बोलते हैं स्लज. अगर ये हमारा एक बॉयलर हो जिसमें हम कंटिन्यूसली वाटर को बॉयल कर रहे हैं, तो अगर कोई लूज मडी सा प्रेसिपिटेट फ्लोट हो रहा है तो वो है स्लज, और जो हार्ड डिपॉजिट्स होते हैं इनर वॉल पर बॉयलर की, इनको हम बोलते हैं स्केल्स, जो इजीली स्क्रैचिंग के थ्रू भी रिमूव नहीं किए जा सकते. अब कौन से सॉल्ट स्लज के लिए रेस्पॉन्सिबल है, कौन से स्केल के लिए रेस्पॉन्सिबल है, इनका रिविजन हम क्वेश्चन की फॉर्म में भी करेंगे. सो इफ देयर इज डिस्ट्रक्शन ऑफ बॉयलर बॉडी मटीरियल बाय अनवॉन्टेड केमिकल रिएक्शन, दैट इज नोन एज बॉयलर कोरोजन. तो ये दो प्रॉब्लम जो स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, ये ऐसी हैं जो हार्ड वाटर की वजह से होती हैं, स्लज एंड स्केल फॉर्मेशन एंड बॉयलर ट्रबल्स.
if we have dissolved salts like magnesium chloride, magnesium sulfate, calcium chloride, calcium sulfate, on boiling it will produce, on boiling with water, it will produce HCl or H2SO4 respectively. This एसिडिक मीडियम विल बी कोरोसिव फॉर अवर बॉयलर. एक हार्ड वाटर के अलावा भी और बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लाइक अगर हमारे बॉयलर में डिसॉल्व गैसेस हैं, दे विल ऑल्सो प्रोड्यूस बॉयलर कोरोजन. अदर टू आर कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट एंड ट्रिमिंग एंड फोमिंग. द हार्डनेस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स. कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट इज ऑल्सो टाइप ऑफ बॉयलर कोरोजन विच टेक्स प्लेस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ NaOH इन बॉयलर. जब हम किसी ऐसे पानी को बॉयलर में बॉयल करते हैं जिसमें सोडियम सॉल्ट्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तो ये सोडियम सॉल्ट्स जो होते हैं पानी के साथ बॉयल किए जाने पर NaOH प्रोड्यूस करते हैं. ये NaOH हेयर लाइक क्रैक्स में सेटल हो जाता है, जिससे कि बॉयलर की बॉडी का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, ब्रिटलमेंट हो जाता है. प्रिमिंग एंड फोमिंग, दैट इज ड्यू टू द फॉल्टी इन डिजाइन और सडन बॉयलिंग. प्रिमिंग होता है फॉर्मेशन ऑफ वेट स्टीम होती है, और अगर फोम्स की और अगर एयर बबल्स की ऑयल की वजह से, ये सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज की वजह से बबल की एक इम्परसिस्टेंट लेयर बन जाए तो उसको हम फोमिंग कहते हैं. तो हम इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आज डिस्कस करने जा रहे हैं वन बाय वन, जिसके थ्रू भी आपका रिवीजन होगा. आइए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, डिग्री ऑफ हार्डनेस इज. डिग्री ऑफ हार्डनेस क्या होती है? देखिए, अमाउंट ऑफ हार्डनेस प्रेजेंट इन द सैंपल वाटर, अमाउंट ऑफ हार्डनेस इम्पैक्टिंग इम्प्योरिटीज इन सैंपल वाटर, अमाउंट ऑफ सैंपल वाटर. तो हमारे सैंपल वाटर में हार्डनेस प्रोड्यूसिंग इम्प्योरिटीज कितनी है, इसको चेक करते हैं हम बाय द डिग्री ऑफ हार्डनेस. सो सी इज इट्स आंसर. Equivalent weight of CaCO3. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बट आगे के क्वेश्चंस को कवर करने के लिए मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है. अगर हमें CaCO3 का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो हमें पहले इसका मॉलिकुलर मास निकालना होगा. कैल्शियम 40, कार्बन 12, एक ऑक्सीजन का 16, अगर इसको हम ऐड करेंगे तो आएगा 100. तो ये इसका मॉलिकुलर मास आ गया. मॉलिकुलर मास में आप कैटाइन की वैलेंसी से डिवाइड कर दीजिए. कैल्शियम की वैलेंसी है 2, तो इसका इक्विवेलेंट वेट निकल कर आएगा 50. सो इट्स आंसर इज बी. मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, द केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ मैग्नीशियम सॉल्ट इज. इसका इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर लेते हैं. देखिए, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम वेट 24, सल्फर वेट 32, एक ऑक्सीजन का 16. सो इट विल बी, इसको एड कर लेते हैं, इट विल बी 120. सो नाउ सॉल्ट, ये किसका सॉल्ट है? ये मैग्नीशियम का सॉल्ट है जिसकी वैलेंसी 2 होती है. तो इट्स इक्विवेलेंट वेट विल बी 60. नाउ क्वेश्चन इज दैट हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट डिसॉल्व पर लीटर टू गिव 84 ppm हार्डनेस. तो सिंपली इसमें हमें डिग्री ऑफ हार्डनेस या कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगाना है. हमसे ये कहा हुआ है कि मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना डिसॉल्व किया जाए जिससे कि पानी में 84 ppm हार्डनेस हो. तो सिंपल सी फॉर्मूला है, CaCO3 इक्विवेलेंट आपको दिया हुआ है, वेट ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट आपको पता करना है, कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट 100/2 होगा, और मैग्नीशियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा देख लेते हैं. 24 प्लस 12 प्लस 48, इट विल बी 84 अपॉन 2. और यहाँ CaCO3 की वैल्यू है हमारी 84. तो 84 इज इक्वल्स टू x इंटू 100/2 अपॉन 84/2. वेन वी विल सॉल्व इट, द आंसर विल बी 70.56 मिलीग्राम पर लीटर. तो अगर इतना अमाउंट हम सॉल्ट का, मैग्नीशियम कार्बोनेट का डिजोल्व करेंगे तो पानी की हार्डनेस 84 निकल कर आएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्डनेस ड्यू टू 13.6 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ कैल्शियम सल्फेट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एस. तो के बार हमसे CaCO3 इक्विवेलेंट कैलकुलेट कराया है. अमाउंट ऑफ सॉल्ट दे रखी है 13.6, 100/2 कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट, कैल्शियम सल्फेट तो 40 प्लस 32 प्लस 64 को अगर हम ऐड करेंगे तो ये निकल के आएगा 136/2. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट की वैल्यू निकल कर आएगी 10. सो इट्स आंसर इज ए. विच ऑफ द फॉलोइंग डिसॉल्व सॉल्ट्स इन वाटर विल कॉज मोस्ट हार्डनेस
इन वॉटर सैंपल, तो हमें कैलकुलेट करना होगा। इसके लिए 10 ppm, सभी सॉल्ट्स की मात्रा 10 ppm दे रखी है, तो 10 into 100 upon 2 तो फिक्स हो गया। अब कैल्शियम सल्फेट का जब हम मास जोड़ेंगे तो वो निकल कर आएगा 136/2। ये A के लिए होगा, B के लिए हमारा होगा 10 into 100 upon 2 upon 100 upon 2, C के लिए ये होगा 10 into 100 upon 2 upon 95/2। वेल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कोई भी हार्डनेस प्रोड्यूस नहीं करता, तो इसको कैलकुलेट करने का फायदा है ही नहीं। तो इसमें जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हम देखेंगे सी के लिए सबसे ज्यादा है, तो इसका आंसर होगा मैग्नीशियम क्लोराइड। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमनली यूज यूनिट ऑफ हार्डनेस इज कैलकुलेटेड इन, तो जब हम पार्ट्स पर मिलियन को कंसिडर करते हैं, ये क्या है पार्ट्स पर मिलियन का मीनिंग, जैसे कि ये है 1 पार्ट कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट हार्डनेस इन 10^6 पार्ट्स ऑफ वाटर। तो जो भी हम हार्डनेस को कंसिडर कर रहे हैं कि उसको हम कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट में कर रहे हैं, ना तो हम उसे मिलीग्राम में करते हैं, ना किलोग्राम में करते हैं, ना सेंटीमीटर में करते हैं। सो सी शुड बी इट्स आंसर। 8th क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड यूनिट टू एक्सप्रेस हार्डनेस इज, हार्डनेस को एक्सप्रेस करने के लिए मोस्ट कॉमनली यूज होने वाली यूनिट क्या है, क्या वो डिग्री फ्रेंच है, क्या वो डिग्री क्लार्क है, क्या वो पीपीएम है, या वो गैलन है। सो पीपीएम इज द मोस्ट कॉमनली यूज यूनिट ऑफ हार्डनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, 1 ppm हार्डनेस इज 1 पार्ट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट हार्डनेस प्रेजेंटिंग, किसमें प्रेजेंट है, क्या वो 10^-6 पार्ट्स ऑफ वाटर, 10^6 पार्ट्स ऑफ वाटर, 10^3 पार्ट्स ऑफ वाटर और 10^-3 पार्ट्स ऑफ वाटर। सो इट्स आंसर शुड बी बी। 1 ppm का मीनिंग है 1 पार्ट कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट हार्डनेस प्रेजेंट इन 10^6 पार्ट्स ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, इनमें से कौन सी हार्डनेस की यूनिट नहीं है, ppm, मिलीग्राम, डिग्री फ्रेंच होता है, फ्रेंच लिखा हुआ है, मिलीग्राम पर लीटर, तो मिलीग्राम कोई यूनिट नहीं है। सो बी शुड बी इट्स आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज 11th क्वेश्चन, चूज द करेक्ट रिलेशनशिप। तो अगर हम इसको देखेंगे, हमने अभी करेक्ट रिलेशनशिप देखा है, 1 ppm इज इक्वल्स टू 1 mg पर लीटर, ये तो हमें कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है। 1 ppm इज इक्वल्स टू 0.1 डिग्री फ्रेंच, 1 ppm इज इक्वल्स टू 0.07 डिग्री क्लार्क। तो देखिए जरा, क्या 1 mg पर लीटर 0.1 ppm के बराबर होगा, नहीं। क्या 1 degree Clark 15.3 ppm के बराबर निकलेगा, नहीं। 0.07 डिग्री क्लार्क जो होते हैं 1 ppm के होते हैं, तो इसका 14 point something आंसर आएगा। लेकिन हाँ, 1 degree French 10 ppm के बराबर हो सकते हैं। सो सी शुड बी इट्स आंसर। Which of the following is equals to 1 ppm in hardness? क्या वो 0.07 degree Clark 1 ppm के बराबर होता है, 0.7, 0.1 या 2? तो आप जानते हैं 0.07 degree Clark इसका आंसर होगा। Next question, 13th question. If the total hardness of water is 380 ppm and non-carbonate hardness of water is 300 ppm, then permanent hardness of water is? Dear learners, एक मिनट के लिए वीडियो पॉज करिए और अपना आंसर बताइए। आई होप आप सभी ने इसका आंसर गलत, मोस्ट ऑफ द पीपल ने इसका आंसर गलत देखा होगा या गलत चूज किया होगा। एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं। अगर हमें टोटल हार्डनेस पानी की दी हुई है जो कि है 380 ppm, तो टोटल हार्डनेस दी हुई है हमें, टोटल हार्डनेस होती है टेम्परेरी प्लस परमानेंट हार्डनेस के बराबर, तो सभी ने ये देखा होगा। अब कहा है नॉन कार्बोनेट हार्डनेस जो है वाटर की 300 ppm है, तो परमानेंट हार्डनेस क्या होगी? डियर लर्नर्स, नॉन पर कार्बोनेट हार्डनेस को ही हम परमानेंट हार्डनेस कहते हैं, तो इसका आंसर होगा 300 ppm, जबकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने 380 में से 300 माइनस किया होगा। सो अगर आपने सही किया है तो कमेंट बॉक्स में इसको जरूर बताइएगा। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब स्लज बॉयलर ट्रबल्स के हमारे प्रॉब्लम शुरू हो गए हैं। यहाँ पर एक पॉइंट आएगा, लिखना है हमें आर सॉफ्ट लूज एंड स्लिमी प्रेसिपिटेट फ्लोटिंग ऑन बॉयलर वाटर। तो जो लूज मडी प्रेसिपिटेट बॉयलर की बॉडी पर बॉयलर में फ्लोट होता रहता है, उसको हम बोलते हैं स्लज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आर हार्ड डिपॉजिट एडियरिंग टू द इनर वॉल्स ऑफ द बॉयलर। तो हम जानते हैं जो इनर बॉयलर की बॉडी पर एडियर हो जाते हैं उनको हम बोलते हैं स्केल्स। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, स्केल इन बॉयलर्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू। तो स्केल्स क्यों बनते हैं, क्या वो डिपोजिशन ऑफ CaCO3, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम सल्फेट, हाइड्रोलाइसिस ऑफ मैग्नीशियम सॉल्ट। तो ये सभी के कारण स्केल्स बनते हैं, कैल्शियम के सॉल्ट स्पेशली सल्फेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये दो सॉल्ट हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं स्केल्स के लिए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 17th क्वेश्चन पर, चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्केल एंड स्लज। तो हमें बताया हुआ है स्केल इज लूज, लूज होता है स्केल, बट स्लज इज हार्ड डिपॉजिट। तो पहला ही गलत है, स्लज आर फॉर्म्ड बाय सब्सटेंसेस हैविंग हाई सॉल्युबिलिटी इन हॉट वाटर देन इन कोल्ड वाटर। स्केल एंड स्लजेस आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, दे आर मेन कॉज ऑफ बॉयलर ट्रबल। तो डियर लर्नर्स, इसमें जो आंसर इसका है वो ए इनकरेक्ट है, स्केल इज लूज बट स्लज इज हार्ड डिपॉजिट। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, स्केल मे बी फॉर्म्ड इनसाइड द बॉयलर ड्यू टू द डीकम्पोजिशन ऑफ। तो बॉयलर की बॉडी में जो स्केल बनते हैं दैट इज ड्यू टू द डीकम्पोजिशन ऑफ। तो जब इसका डीकम्पोजिशन होगा CaCO3 का, तो CaCO3 प्रोड्यूस होगा। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट के डीकम्पोजिशन के कारण स्केल बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण बनता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट के कारण स्लज बनती है, मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड ये सभी स्लज के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ये याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए कहीं, ये तीनों स्लज के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जबकि स्केल के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो मेनली जो रेस्पॉन्सिबल है दे आर CaCO3, CaSO4 और MgOH का होल ट्वाइस, ये तीन सॉल्ट हैं जो स्केल के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19th क्वेश्चन, स्केल्स आर फॉर्म्ड इन ब्लैंक रीजंस व्हाइल स्लज आर फॉर्म्ड इन ब्लैंक रीजंस। सो डियर लर्नर, जो स्केल्स बनते हैं वो हमेशा हॉट रीजंस में बनते हैं, जबकि जो स्लज बनती है वो कोल्ड रीजन में बनती है। तो इसका आंसर होना चाहिए पहले हॉट फिर कोल्ड, तो डी शुड बी इट्स आंसर। मूविंग ऑन 20th क्वेश्चन, द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ स्केल्स। तो इनमें से किसकी वजह से स्केल्स बनेंगे, तो अभी मैंने आपको बताया था मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम सल्फेट ऐसे सॉल्ट हैं जो कि स्केल्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इन सॉल्ट्स में से हमें दिखाई दे रहा है ए ब्लो डाउन ऑपरेशन कॉजेज द रिमूवल ऑफ। अगर हमारे उसमें स्लज को मिनिमाइज करना चाहते हैं, हमें टाइम टू टाइम ब्लो डाउन ऑपरेशन करना होता है, तो ये रिमूवल का मेथड है स्लज का। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, स्केल्स कैन बी रिमूव्ड बाय, क्या वो कैल्गन कंडीशनिंग से रिमूव हो सकते हैं, थर्मल शॉक से रिमूव हो सकते हैं, या बाय एडिंग केमिकल्स से ये रिमूव हो सकते हैं। तो ये तीनों से ही रिमूव किए जा सकते हैं, तो ऑल ऑफ दीज इज इट्स आंसर। कैल्गन कंडीशनिंग, कैल्गन कंडीशनिंग हमने इंटरनल कंडीशनिंग का मेथड पढ़ा है, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट होता है जिससे स्केल्स को रिमूव किया जाता है, कुछ केमिकल जैसे कि डाइल्यूट HCl ऐड कर दें तो हम स्पेसिफिक स्केल्स को रिमूव कर सकते हैं, थर्मल शॉक, अब अचानक से हीट ज्यादा दे दें हम अगर बॉयलर को तो भी स्केल को रिमूव किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट इज अ टाइप ऑफ क्या विच टेक्स प्लेस बाय। तो ये देखते हैं एक बार इसका आंसर क्या है, कहाँ फिट होता है, क्या ये टाइप है बॉयलर कोरोजन का और NaOH से होता है, क्या ये टाइप है स्लजेस का और HCl से होता है, क्या ये टाइप है स्केल का और स्लज की वजह से होता है, क्या ये टाइप है स्केल का और HCl की वजह से होता है। सो डियर लर्नर, एम्ब्रिटलमेंट इज अ टाइप ऑफ बॉयलर कोरोजन विच टेक्स प्लेस बाय NaOH, तो ए शुड बी इट्स आंसर। मूविंग ऑन 24th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस डिजॉल्व इन वॉटर कॉज बॉयलर कोरोजन। तो कौन सी गैस प्रेजेंट होने पर बॉयलर कोरोजन देगी, डिजॉल्व ऑक्सीजन हमें देती है बॉयलर कोरोजन हम पढ़ चुके हैं, डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड H2CO3 में कार्बोनिक एसिड बना देगा, ऑक्सीजन भी हमारी रिएक्शन हमें पता है हाफ O2 प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन 2OH माइनस और आयरन के साथ मिलकर FeOH का होल ट्वाइस बना देती है, तो और सल्फर डाइऑक्साइड भी हमारे रेस्पॉन्सिबल होती है बॉयलर कोरोजन के लिए, सो डी शुड बी इट्स आंसर।
ये पूरे अलग अलग टॉपिक पर ये इनकी ब्रीफ वीडियो है, छोटी छोटी सी स्लज एंड स्केल और वेरियस बॉयलर ट्रबल्स की, इनको आप देख सकते हैं तो आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। टू रिमूव डिजॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम बॉयलर वाटर, कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ फॉलोइंग सॉल्ट इज एडेड। तो अगर हमें कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ सॉल्ट की एड करनी है डिजॉल्व ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए, तो वो है हाइड्राजीन यानी कि N2H4। ना तो NaCl से रिमूव होता है, ना KNO3 से, ना ही Na2SO4 से। हाँ, अगर सोडियम सल्फा इट होता तो वो इसका आंसर होता। तो दो केमिकल है, एक तो सोडियम सल्फा इट और एक N2H4, ये डिजॉल्व ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 26th क्वेश्चन, हार्डनेस ऑफ वाटर फॉर हाई प्रेशर बॉयलर्स इन टर्म्स ऑफ PPM कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट शुड बी। तो जो हार्डनेस अलाउड है हाई प्रेशर बॉयलर्स के लिए वो 10 PPM तक अलाउड है, तो बाकी सब हमें इससे ज्यादा दिखाई दे रही है, तो ए शुड बी इट्स आंसर। 27th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिक्विसाइट कंडीशन फॉर वाटर यूज फॉर स्टीम जनरेशन इन बॉयलर। एक बॉयलर जिसे स्टीम जनरेट करनी है उसके लिए क्या इसमें से रिक्वायर्ड नहीं है, तो देखते हैं। इट शुड बी फ्री फ्रॉम पैथोजन, इट शुड बी फ्री फ्रॉम डिजॉल्व सॉल्ट, ये तो होना ही चाहिए। फ्री फ्रॉम सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, ये भी हमें होना चाहिए इसका पानी का। फ्री फ्रॉम डिजॉल्व गैसेस, तो ये तो तीन पॉइंट ऐसे हैं जो होने ही चाहिए। पैथोजन होने से स्टीम की जनरेशन पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, तो ए इसका आंसर है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द प्रोसेस ऑफ वेट स्टीम फॉर्मेशन इज नोन एज, तो फॉर्मेशन ऑफ वेट स्टीम इज नोन एज प्रिमिंग। प्रिमिंग मेनली एट्रीब्यूटेड टू द प्रेजेंस ऑफ, ये कैसे होती है, क्या ये सडन बॉइलिंग से होती है, फॉल्टी बॉयलर डिजाइन से होती है, या सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज से होती है। तो ये तीनों ऐसे कॉज हैं जो एट्रीब्यूट करते हैं प्रिमिंग के लिए, सो इट्स आंसर शुड बी डी ऑल ऑफ दीज। मूविंग ऑन आवर लास्ट क्वेश्चन, द फॉर्मेशन ऑफ परसिस्टेंट बबल्स इन बॉयलर विच डू नॉट ब्रेक इजीली इज नोन एज, तो जब बबल्स की परसिस्टेंट लेयर बन जाती है उसको हम बोलते हैं फोमिंग। ना तो प्रिमिंग कहते हैं, ना कोरोजन, ना कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट। लास्ट क्वेश्चन, फोमिंग कैन बी मिनिमाइज बाय, फोम को कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है। रिमूवल ऑफ फोमिंग रिएजेंट लाइक ऑयल ग्रीस, एडिशन ऑफ कैस्टर ऑयल, एडिशन ऑफ एंटी फोमिंग केमिकल। तो ये तीनों ही मेथड ऐसे हैं जिससे फोमिंग को रिमूव किया जा सकता है, सो ऑल ऑफ दीज शुड बी इट्स आंसर। सो डियर लर्नर्स, आज हमने डिग्री ऑफ हार्डनेस मॉलिकुलर मासेस से इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट करना सीखा है, यूनिट्स के कई क्वेश्चन किए हैं और बॉयलर ट्रबल्स का हमने टॉपिक कवर किया है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम हार्डनेस रिमूवल के वेरियस मेथड्स पर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आई होप कि वो लास्ट वीडियो होगा वाटर ट्रीटमेंट का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।